हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स जो हम कल के लिए ट्रेड करने करेंगे और इंट्राडे स्टॉक्स जो हम कल इंट्राडे पर्पस के लिए देखेंगे। ओके, उससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं धन के बारे में। धन पे आप अपना डीमैट अकाउंट खोल के इंट्राडे ट्रेड्स, BTST जो भी आपको ट्रेड करना है, ओके, मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी, मार्जिन पे अगर आपको कोई स्टॉक्स आपको लग रहा है स्ट्रॉन्ग दिख रहा है तो उसे मार्जिन पे बाय कर सकते हो। फोरेक्स का लेवरेज मिलता है इसमें। ओके, ये रहा आपका धन का फीचर्स। अगर धन में आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक होगा, वहां से जाकर अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। और ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम फीचर्स फ्री में यूज करो, इसमें जितने चाहो उतने इंडिकेटर्स यूज करो। देखो मैंने कितने इंडिकेटर्स लगा रखे हैं। ओके, चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो में स्टार्ट करता हूँ और मैं बात करता हूँ सबसे पहले बैंक निफ्टी के लेवल्स की। तो कल मैंने बात करा था, मैंने बताया था कि अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है तो हम क्या करेंगे, हम बाय करेंगे कहाँ से, कल मार्केट जहाँ से रिवर्स करा है। और देखो मार्केट ने यहाँ से रिवर्स करा था। ओके, देखो ये कल हमारी 16 नवंबर है। ओके, कल मार्केट, देखो पहले तो मार्केट गैप डाउन खुला। ओके, गैप डाउन खुला, इस जोन का सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिवर्स ऊपर गया, नीचे आया, रिटेस्ट किया इस जोन को, प्रीवियस डे हाई को रिटेस्ट किया, वहाँ से ही फिर मार्केट वापस ऊपर में जाके बंद हो गया। ओके, ये रहा हमारा कल का लेवल जो था। फिर मार्केट आज गैप डाउन खुला, तो उसके बाद देखो क्या हुआ मार्केट में। मार्केट में गैप डाउन खुलते के साथ मार्केट ने जो हमारा कल का ब्रेकआउट का जोन था, ओके, कल का हमारा जो ब्रेकआउट का जोन था ये वाला जोन, ओके, इसे मार्केट ने इस जोन के यहाँ से इसका हाई को ब्रेक करा। ओके, ये रिटेस्ट इसको ब्रेक करा और वहां से मार्केट ने एक अच्छी रैली लगाया। उसके बाद प्रीवियस डे क्लोजिंग का जो हमारा लेवल था वहां से मार्केट ने रिजेक्शन खा करके फिर से जोन पे सपोर्ट लिया और यहां से मार्केट ने एक अच्छी अपसाइड मोमेंटम दिखाई। ओके, ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी में आज कैसे परफॉर्म किया। उसके बाद मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का जो हमारा था वहां से रिजेक्शन लेकर के मार्केट फिर लोअर लेवल पे जाके बंद हुआ। अब क्या करना है कल मार्केट में। ओके, कल के लिए हमारे पास क्या है, अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है, ओके, गैप अप खुलता है तो हमारे लिए जो लेवल होगा 42,630 का, ये हमारे रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, 42,630 का लेवल हमारे रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये जो लेवल होगा हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर गैप डाउन खुलता है तो हम यहाँ पे कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, नहीं तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो कौन सा है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ओके, 42,200 का लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये देखो आप 42,200 का जो लेवल है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट सस्टेन करेगा आई डोंट थिंक सो। और नीचे के लेवल्स पे मार्केट ने इस जोन को 1, 2, 3, 4 बार टेस्ट कर रखा है। अगर ये नीचे जाता है तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन होगा ये होगा और ये होगा। ओके, इसके बीच में अगर हम कुछ रिवर्सल का साइन देखते हैं तो हम यहाँ पे बाय करेंगे ये। और रेजिस्टेंस मैंने आपको, फिर अगर इसे ब्रेक करता है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा 42,750 का। ओके, अब हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में हमारे पास क्या है। ओके, लेट्स सी निफ्टी में अगर हम बात करें तो निफ्टी मैंने बताया था आपको कि निफ्टी में ये वाला जोन जो है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और देखो यही हुआ मार्केट में, मार्केट ने सुबह लगभग पहले गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलते के साथ मार्केट ने इस जोन को टेस्ट करा, उसके बाद मार्केट ने एक एन पैटर्न बनाया, उसके बाद प्रीवियस डे हाई पे जाकर रिजेक्शन लेकर के मार्केट ने नीचे फिर इस जोन को रिटेस्ट करा, ब्रेक इस जोन का ब्रेक तो ब्रेक डाउन दिया। ओके, ट्रैप किया लोगों को, इस जोन का ब्रेक डाउन देने के बाद लोगों को ट्रैप किया, उसका एसएल किया और उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर की ओर गया। फिर डे हाई के आसपास जाके मार्केट ने रिजेक्शन लेकर के फिर एक नीचे आके बंद हुआ, कितना 18,340 का लेवल पे, जो मैंने बताया था 320 से लेकर 340 का जो हमारा सपोर्ट जोन है। और देखो इस लेवल के आसपास मार्केट आके बंद हुआ। तो कल क्या, अगर कल मार्केट हमें इस जोन के आसपास गैप डाउन खुले या फिर फ्लैट खुल के अगर इस जोन के आसपास मिलता है तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज में देखेंगे। ओके, हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज में देखेंगे और यहाँ से हम मार्केट में ऊपर की ओर, ओके, यहाँ से मार्केट में हम ऊपर की ओर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, यहाँ से हम बाय करेंगे। ओके, अगर फिर मार्केट या गैप अप खुलता है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा, क्योंकि मार्केट अगर 1% के आसपास भी अप खुलता है तो लगभग ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा 40,000, तो यहाँ से हम एक सेलिंग देख सकते हैं। ओके, ऐसे देखो एक बार दो बार इसे टेस्ट किया और ये नीचे की ओर में एक बार दो बार तीन बार चार बार और पांचवें बार में इसने ब्रेकडाउन दे दिया है इसका। ओके, तो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल ये बन जाता है। अगर यहाँ मार्केट इसे सस्टेन करता है तो मार्केट में ऊपर की ओर बाइंग देखेंगे, अगर इसे ब्रेक करता है 280 का लेवल तो मार्केट में 150 का लेवल भी देख सकते हैं, 18,150 का लेवल देख सकते हैं। ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक जो हम कल ट्रेड करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है कोटक बैंक। कोटक बैंक को आप देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ओके,
कोटक बैंक को अगर 15 में टाइम फ्रेम पे देखे तो हमारे पास क्या है, देखो एक जोन बना रहा है कोटक बैंक ना एक जोन बना रहा है ये और ये, ओके। तो हम क्या देख सकते हैं कोटक बैंक में, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर इस जोन का नीचे ब्रेकडाउन होता है तो हम इसे सेल करके चलेंगे, तो 1940 के नीचे सेल करेंगे और पहला टारगेट होगा 1934 और हमारा दूसरा टारगेट होगा 1928 का, ओके। ये रहा हमारा दूसरा टारगेट, ओके ये, और अगर इसके ऊपर ब्रेक होता है तो हम 1970 के ऊपर बाय करेंगे, हमारा पहला टारगेट 1976 और दूसरा टारगेट 1982 का होगा, स्टॉप लॉस 6 पॉइंट ऊपर, अगर 1940 के नीचे तो 1946 हमारा स्टॉप लॉस होगा, इसमें 1964 हमारा स्टॉप लॉस होगा, ओके। ये रहा हमारा कोटक। दूसरा स्टॉक्स हमारे पास है भारत फोर्ज, भारत फोर्ज में भी वही वैसा कुछ ही है, ठीक है। अगर ये कल इस जोन का ब्रेकडाउन देता है, ओके, कल ये अगर 8:30 का ब्रेकडाउन देता है तो हम इसे सेल करके चलेंगे, हमारा पहला टारगेट 8:27, दूसरा टारगेट 8:24 का होगा और हमारा स्टॉप लॉस 8:33 का होगा। अगर ये ऊपर की ओर में ब्रेक देता है तो हम 8:50 के ऊपर बाय करेंगे, हमारा पहला टारगेट 8:53 का, दूसरा टारगेट 8:56 का होगा, ओके। ये हमारा भारत फोर्ज में। और तीसरा स्टॉक्स हमारे पास है यूपीएल, ओके, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड। यूपीएल की अगर देखो तो यूपीएल जो है बार बार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, ओके। अगर कल ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन देता है, ओके, अगर ये कल इस लाइन का इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन देता है या अपर या लोअर लेवल पे भी, ये रहा हमारा यूपीएल का चार्ट, ओके। तो हम इसे सेल करके चलेंगे, तो हम इसे सेल करेंगे 864 के नीचे सेल करेंगे, हमारा पहला टारगेट होगा 861 का, दूसरा टारगेट 158 का, ओके, 64 के नीचे सेल करके चलेंगे, हमारा पहला टारगेट 761, दूसरा टारगेट हमारा 7658 का, ओके। ये रहा हमारा दूसरा टारगेट। अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड में लेवल बहुत ऊपर है, तो हम इसे 775 के ऊपर बाय करेंगे, हमारा पहला टारगेट 778, दूसरा टारगेट 781 का होगा, ओके। ये रहा हमारा यूनाइटेड फॉस्फोरस का टारगेट और स्टॉप लॉस, यहाँ से अगर 3 पॉइंट का टारगेट है तो 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऊपर से बाइंग प्राइस पर ले सकते हो। कल के ट्रेड की बात करें तो मैंने बुदिया था आपको एसबीआई कार्ड को सेल करने के लिए, ओके, एसबीआई कार्ड को सेल करने के लिए मैंने बोला था आपको 808 के नीचे से सेल करना है, हमारा पहला टारगेट होगा 805 का, दूसरा टारगेट 802 का। इसने लो लगाया कितने का, 793 का, तो हमें इसमें अपने हमारी टारगेट जो थी इजीली से अचीव हो गई, ओके। दूसरा स्टॉक्स हमारा मैक्स फाइनेंशियल को मैंने बोला था 650 के नीचे सेल करना है, ओके। ये देखो ये गैप 650 के नीचे सेल करना है, तो ये गैप डाउन खुला, ओके, मैंने 650 के नीचे सेल करने बोला था, आपने यहाँ पर अगर सेल किया होगा, ये देखो पहला 5 मिनट का कैंडल आप देखो इसमें, ओके। तो इसने 650 के नीचे सेल किया, आपका दोनों टारगेट में हमें इजिली से अचीव हो गया, ओके, मैक्स फाइनेंशियल में भी। तीसरा स्टॉक्स था हमारा सिंजिन इंटरनेशनल, इसमें मैंने बोला था सेलिंग के लिए, पर ये सेलिंग की साइड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो चलो इसको छोड़ देते हैं। और चौथा स्टॉक्स हमारा आरती इंडस्ट्रीज को मैंने बोला था 674 के नीचे सेल करने के लिए, और ये देखो हमारा दोनों टारगेट को इजिली से दे दिया, ओके। चलो ट्रेडर्स, अगर आपको कोई भी स्टॉक्स में, हाँ, अगर हमारी बात, ये देखो एक चीज और, मैंने आपको हिंदुस्तान एनालिटिक्स दिया था इस लेवल पे, कहाँ पे, स्विंग के लिए, ओके, स्विंग के लिए दिया था मैंने, है ना। उसके बाद देखो ये हमारे दोनों टारगेट को अचीव कर दिया, 2700 का टारगेट को भी अचीव कर दिया हिंदुस्तान एनालिटिक्स, तो चलो। और तीसरा एक और हमारा था जो टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कम्युनिकेशन थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, आई थिंक, ओके, या ये फिर से हमारा बाइंग प्राइस पे आ गया है, ये बाइंग प्राइस पे आ गया फिर से हमारा, कोई बात नहीं, वी विल होल्ड इट, ये अगले मंथ ब्रेकआउट देगा हमें, आई एम श्योर। चलो देखते हैं, अगर मार्केट ओवरऑल बिक रहा है तो यहाँ से ये थोड़ी करेक्शन और दिखा सकती है, ओके। चलो ये रहा हमारा इंट्राडे स्टॉक्स निफ्टी के लेवल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बताना, और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करके वहाँ भी बता सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, हैव ए गुड डे।